हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन रिव्यू करने वाले हैं 100cc सेगमेंट की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक ऑल न्यू 2023 बजाज प्लेटिना 100cc 2023 लेटेस्ट मॉडल। अभी के टाइम पे आपको इस बाइक के अंदर एक अपडेट मिल जाता है। अब आप इस बाइक को E20 पेट्रोल से भी चला सकते हो, तो प्लेटिना 100 के अंदर भी अब आपको ये अपडेट देखने को मिलने वाला है। 100cc सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा रिलायबल एंड सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक है बजाज प्लेटिना 100cc। ड्रम ब्रेक वेरियंट के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। अगर आप इस बाइक के अंदर डिस्क ब्रेक चाहते हो तो आप इस बाइक के 110cc वेरियंट को कंसिडर कर सकते हो। फिलहाल आज अपन इस वीडियो में रिव्यू करने वाले 100cc वेरियंट का, तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपने वीडियो को। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस बाइक की 2023 लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस, इस बाइक का माइलेज, फीचर्स एंड टॉप स्पीड के बारे में, तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इस बाइक की ऑन रोड प्राइस से। तो 80,000 रुपए की आपको बाइक ऑन रोड मिल जाती है जयपुर सिटी के अंदर। इस बाइक की माइलेज की बात करूँ तो ये बाइक आपको 75 से 70 तक का माइलेज इजिली निकाल कर देती है। अब स्टार्ट करते हैं इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल से, देखते हैं फ्रंट में आपको इस बाइक के अंदर क्या कुछ मिलने वाला है। तो जैसे ही आप इस बाइक की की को ऑन करते हैं तो फ्रंट में आपको जो DRL लाइट देखने को मिलती है नीचे की तरफ ऑन हो जाती है। इसके फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलाइट मिल जाती है, साइड में आप फ्लेक्सिबल हैलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के। इसके फ्रंट में आपको हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, 135mm ट्रेवल एंटी स्किड ब्रेकिंग की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है। इस बाइक के फ्रंट में आपको साइड में दोनों तरफ रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं। कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। इस बाइक के अंदर आपको अलॉय व्हील भी साथ में मिल जाते हैं। इस बाइक के टायर सेक्शन की बात करूँ तो 17 इंच के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इस बाइक की साइड प्रोफाइल की, तो साइड में आपको इस बाइक की जो प्रोफाइल देखने को मिलती है सेम वही प्रोफाइल जो स्टार्टिंग से आती है वही प्रोफाइल देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको प्लेटिना की ब्रांडिंग मिल जाती है जो कि आपको स्टिकर के फॉर्म में मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन की, तो इसके अंदर आपको 102cc का एयर कूल इंजन आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है जो 8 BHP की पावर जन करता है, 8.34 Nm का टॉर्क जन करता है। 4 गियर्स के साथ में आपको बाइक मिल जाती है कुछ इस तरीके से, दिखती है इस बाइक की ऑल ओवर प्रोफाइल। एंड इस बाइक के अंदर आपको BS6 इंजन के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। इस बाइक के इंजन की बात करूँ तो क्रोम फिनिशिंग वाला इंजन आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। आपको बजाज का लोगो देखने को मिल जाता है, गियर शिफ्टिंग आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इस बाइक के अंदर सारे गियर आपको आगे लगाने पड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के रियर में आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाता है, लेडीज फुटरेस्ट आपको यहाँ पे साइड में मिल जाता है। इस बाइक के रियर में आपको स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाते हैं, 130mm ड्रम ब्रेक मिलते हैं। इस बाइक के रियर में टायर साइज की बात करूँ तो 17 इंच के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 100 कम्फर्टेक की ब्रांडिंग मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की सीट हाइट की, तो इसके अंदर आपको 807mm की सीट हाइट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाती है। 3 जने इस बाइक पे आराम से चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस बाइक के अंदर मिल जाती है। E20 का अपडेट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। अब आप इस बाइक को E20 पेट्रोल से भी चला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की रियर प्रोफाइल की, तो रियर में आपको इस बाइक के अंदर सिंगल पीस ग्रेवरल मिलते हैं कुछ इस तरीके के, हैलोजन टेल लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है, फ्लेक्सिबल हैलोजन टर्न इंडिकेटर आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इस बाइक के अंदर आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है, स्पीड लिमिट मिल जाती है, न्यूट्रल लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, बजाज का लोगो मिल जाता है, फ्यूल गेज, चेक इंजन लाइट, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ। एंड इस बाइक की टॉप स्पीड की बात करूँ तो 80 km/h की टॉप स्पीड आपको इस बाइक की मिल जाती है। चलिए मैं एक बार आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ, तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस बाइक के इंजन को। कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट नोट आपको इस बाइक का सुनने को मिल जाता है। इस बाइक के ग्राउंड केस की बात करूँ तो 200mm का ग्राउंड केस आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। इस बाइक के अंदर आपको 117kg का कर्वेट मिल जाता है। तो ये था इस बाइक के एक स्मॉल सा रिव्यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहे।